गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली वो दिन आ ही गया है जब मैं अपने न्यू घर पे शिफ्ट हो रही हूँ। काफ़ी दिनों से बहुत सारा घर मैंने देखा, काफ़ी चीज़ चल रही थी एंड फाइनली आज पैकिंग डे है एंड इतना सारा काम देख के मुझे लिटरली रोना आ रहा है क्योंकि हर एक चीज़ खुद से करना हो रहा है और इतना सारा कपड़ा निकलते ही जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे किससे क्या करूं नहीं करूं, और मेरा सर दर्द हो गया है क्योंकि इतना सारा चीज़ खुद से करना होता है तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, आपको समझ में नहीं आता है उस टाइम पे। बट जैसे तैसे करके मैंने पैकिंग किया है एंड अभी बज रहा है रात के 4। पैकिंग करते करते इतना टाइम हो चुका है बट मैं सब कुछ अभी कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह गाड़ी आने वाला है, उसमें मेरा सामान जाएगा। मेरा 2 दिन का बुकिंग है एंड 2 दिन में ही सारे सामान शिफ्ट मुझे करना है। सो फाइनली कपड़ा वपड़ा का ये सारे चीज़ मैंने पैकिंग कर लिया है, अभी भी बहुत सारा चीज़ बाकी है। सारा कपड़ा है कि मेरे पास बैग भी कम पड़ गया है, इसलिए मैंने एक पूरा बेडशीट में हर एक जो सामान है उसको बीच में मैंने रखा है, उसके बाद उसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है ताकि वो गिरे भी ना और सामान भी चला जाए, क्योंकि ये सारे हैक्स तो आता ही है, हम सभी लोग अपने बचपन से तो देखते ही हुए हैं। तो सारे सामान लेके अब मैं जा रही हूँ और देखो बारिश इतना ज़्यादा कोलकाता में हो रहा है बिकॉज ऑफ मौसम, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है सारे सामान लेके जाने में। सो मैं न्यू घर पर भी आ गई हूँ, एक रूम पर सारे सामान को मैंने रख दिया है, फर्नीचर सेट हो रहा है, फ्रिज अभी सेट भी हो गया है, एसी भी लग गया है मेरा, बट मेरा फर्नीचर ना बहुत सारा डैमेज भी हुआ है। यहाँ पे मेरा कितना सारा फर्नीचर डैमेज हो चुका है, इसलिए मैंने फर्नीचर वाला को भी बुलाया है ताकि सारी चीज़ ठीक कर दे। और अभी मैं सारे चीज़ क्लीन करके थोड़ा सा सामान मैं खाली कर रही हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट डे अभी सुबह सुबह कुरान खानी मैंने करवा लिया है, घर का पूरा सामान देख ही रही हो, इतना सारा सामान सब कुछ लेके मैं आ गई हूँ। फाइनली मैं खुद भी आ गई हूँ और मैंने दोनों बाबू को भी लेके आ चुकी हूँ, पर मेरा जो टॉम बाबू है वो थोड़ा सा डर रहा है क्योंकि कैट ना थोड़ा सा डरता है न्यू जगह पर, वो अपना स्मेल लेगा, धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा। बट जो काम है उसके लिए काम वाली का अवतार मैंने ले लिया है, कपड़ा चेंज कर लिया है, पुराना कपड़ा पहना है ताकि बहुत ज़्यादा गंदा भी होगा, और पूरा घर अब साफ सफाई करना होगा, सब कुछ सेट करना होगा। सब कुछ अकेले करना मुँह का बात नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, रोना भी आता है, बट ठीक है, लाइफ का ये सारे चीज़ जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना, बहुत सारा चीज़ सीखते हो एंड डे बाय डे ना आप अपने लाइफ में ना ग्रो करते हो, इतना ज़्यादा आप में सबर आता है, बहुत सारा चीज़ सीखते हो और ये सीखते हो कि लिविंग एलोन जो लाइफ का जो टैग है ना, वो ऐसा टैग है कि सच में लिविंग एलोन, अल्लाह छोड़ के दुनिया में कोई आपका नहीं होता है, ये रियलिटी है। चाहे माँ बाप हो, हस्बैंड हो, सब कुछ, बॉयफ्रेंड हो, सब कुछ अपनी जगह पे है, बट हमें ना लाइफ में अकेला ही सब कुछ करने आना चाहिए ताकि किसी के ऊपर भी डिपेंड ना हो। बिकॉज किसी के ऊपर अगर डिपेंड रहोगे, सपोज अपने मम्मी पापा के ऊपर भी डिपेंड हो, हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड हो, पर एक टाइम में खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जिसमें आपको ही सफ़र करना हो, तो उसके लिए आप रेडी रहो मेंटली। सो ये सारे छोटे छोटे चीज़ ना हमें लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। सब कुछ अरेंज करना, सेट करना, सब कुछ इतना मेसी जब देखते हैं ना बहुत ज़्यादा रोना आता है, पर अकेले सब कुछ करना इस थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट रोना भी बहुत आता है। मैं तो रो ही रही हूँ कुछ दिन से, बट रोती हूँ, ब्रेकडाउन होता है, पर अपने आप को समझा लेती हूँ कि समरीन उठो, करना तो तुमको ही है, बट मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बीच में अपने आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ कि चलो चलो करना है। एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी वाईफाई के लिए, तो फाइनली वाईफाई वाला भैया आ चुका है, मेरा वाईफाई लग
लग जाएगा। और आज मौसम भी कितना अच्छा है, बारिश हो रहा है, और बारिश का मौसम मुझे पसंद तो है। हे गाइस, पूरा 7 दिन के बाद आप लोगों से मैं मिल रही हूँ। बीच में कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि घर पे इतना ज्यादा काम था, आप लोगों ने पहले ही देखा है, तो वो सारी चीज सेट करने में टाइम निकल गया। और आज मैं करने वाली हूँ अपना मेकओवर, अपना हेयर कट, और थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, न्यू कुछ लुक आएगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हेयर हमेशा फ्लैट रहता है, कोई भी स्टाइल में नहीं कर पाती हूँ, और मेरा डाइसन भी यूज ज्यादा नहीं होता है। न्यू लुक के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलो चलते हैं। सो गाइज, हेयर कटिंग का प्रोसेस डन हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने मेकओवर देखने के लिए, क्योंकि मेरा हेयर पे बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई कट नहीं था। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड चेंज जरूरी था। गाइस, मेरा न्यू मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आप लोगों का फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी सिस्टर हो, मेरी फैमिली हो। सो आप लोगों के अलावा सच में मेरे साथ और कोई नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, और आप लोगों के साथ धीरे धीरे मेरा जो बॉन्डिंग जो बढ़ रहा है, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, हर एक चीज उसके लिए अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। सैलून में जो दीदी थी ना, वो मुझे बोल रही थी कि मेरा हेयर का जो टेक्सचर है वो अच्छा है कलर कराने के बाद भी, तो मुझे वो पूछ रही थी कि मैं हेयर पे क्या करा रही थी, तो मैंने बोल दिया कि मेरा होम रेमेडी का कमाल है, और मेरा न्यू लुक तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आज तो मैं सिर्फ अपने आप को निहारूंगी मिरर में, क्योंकि बहुत टाइम बाद कुछ अलग अपने फेस पे देख रही हूँ ना। और किसको अच्छा नहीं लगता है कि वो अच्छा दिखे, बिफोर आफ्टर देख पा रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और हम सब कोई चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखे, तो इसीलिए मैंने हेयर कट को कराया है। और इसको तो अभी मैंने स्टाइल वो लोगों ने करवा दिया है, और घर पे भी करना पड़ेगा, तब जाके ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3 days later. So guys, आज मैं जा रही हूँ फैंसी मार्केट न्यू घर के लिए। बहुत सारा सामान चाहिए, बहुत सारा लाइट चाहिए। 3 दिन का गैप लिया था, उस गैप में मैंने अपना फर्नीचर का जो भी काम था वो सारी चीज मैंने करवा लिया है। आज बहुत अच्छा सा धूप निकला है, तो अच्छा लग रहा है। मौसम है, बारिश होता है, समझ में नहीं आता कब धूप निकले कब बारिश हो। और आप लोगों को पता है, जिस दिन मैं घर देखने आई थी न्यू फ्लैट, उस दिन बारिश हो रहा था, बहुत बड़ा बड़ा खिड़की है, तो मुझे लगा रोशनी तो आता ही होगा, बट अब पता चल रहा है रोशनी नहीं आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता है। और पास में एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, 24 घंटे डे नाइट उन लोगों का काम चलता है। और जिस दिन मैं आई थी, देखो मेरा बैड लक, उस दिन उन लोगों का फैक्ट्री बंद था, पता ही नहीं चला, ब्रोकर ने बोला ही नहीं। तो मैं आज आई हूँ माइक लेने, क्योंकि जब तक मैं माइक नहीं लूंगी मैं आप लोगों को एक भी वीडियो नहीं दे सकती, क्योंकि इतना आवाज में वीडियो कैसे बनाऊं, आप लोगों को ना सुनने में अच्छा लगेगा ना मुझे बोलने में। और मुझे मेरा वीडियो का क्वालिटी, वॉइस, ये दो जो चीज़ परफेक्ट चाहिए, क्योंकि मुझे ये सारे चीज़ अगर अच्छा नहीं लगता है खुद देखने में, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आज आ गई हूँ फैंसी मार्केट में। गाइज, अभी मैं माइक टेस्टिंग के लिए मॉल के बाहर आई हूँ, ताकि मैं देख सकूँ इसका वॉइस का क्वालिटी कितना अच्छा आ रहा है। और डिजिटेक वैसे एक अच्छा ब्रांड है, मेरा यूट्यूब का जितना सारा सामान है जो यूज़ होता है शूट करने के लिए डिजिटेक का ही है। तो फाइनली माइक ले लिया है, अब आराम से मैं वॉइस ओवर दे सकती हूँ। मॉल
मॉल से निकलने के बाद मैं आ चुकी हूँ एक और शॉप पे, और फैंसी मार्केट जब मैं आई हूँ तो जूसर मैं लेके ही जाती हूँ घर। यस गाइस, बहुत टाइम से मेरा था कि मैं एक जूसर ले लूँ, यहाँ पे बजट फ्रेंडली मेरा बजट के अकॉर्डिंग मिल रहा था, तो मैंने सोचा एक ले लेती हूँ। सुबह सुबह जूसर में अगर जूस मुझे मिल जाए तो क्या बात है, एक दिन भी स्किप नहीं होगा। सो मैंने एक जूसर अपने लिए ले लिया है। मैंने एक स्पीकर लिया है, एक छोटू सा फैन लिया है, और माइक तो जैसे आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था। ये फैन ना मैंने इसलिए लिया है, गर्मी का टाइम पे बैग में आप कैरी कर सकते हो, स्किन केयर करते हो ना तब भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फेस पैक हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, या फिर सीरम टोनर, ये ड्राई करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हैंडी भी है, और ये मुझे 200 में मिला था तो मैंने ले लिया। जूसर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और एक फ़ैन भी लिया है किचन में लगाने के लिए, तो जूसर तो मैं कल सुबह ही ओपन करूँगी, जूस बना के पी लूँगी। 3 hours later. बहुत दिन से कुछ किया नहीं, इसलिए मैंने अपने फेस में चारकोल पीलिंग मास्क लगा लिए। ये फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है, ब्लैक हेड जो भी है वो रिमूव भी हो जाता है। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा घर के जो बाकी सारे काम है उसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। को निकालना होता है ना, जो खुशी, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है अलग लेवल का, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा डर्ट्स, ऑयल, जो भी व्हाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर जो भी रहता है ना, पूरा गंदगी निकल जाता है। एंड चारकोल डीपली स्किन को क्लीन भी करता है। मेरा तो फेवरेट चारकोल पिलिंग मास्क ये गुड वाइब्स का है। आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं पता, पर मेरे स्किन से ना बहुत ज़्यादा व्हाइट हेयर्स निकला है, एंड स्किन को बहुत डीपली क्लीन भी किया है। बहुत दिन से कुछ किया नहीं तो आज थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया। वैसे तो ज़्यादा कुछ अभी नहीं करती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर में ही मैं जी रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, दैट्स इट। बीच में जितना सारा वीडियो आप लोगों ने देखा वो मैंने पहले से शूट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट होने में नया घर में टाइम लगता है। तो बीच बीच में जितना टाइम मिला एडिटिंग करके मैंने पोस्ट कर दिया। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके आप लोग फीडबैक शेयर करना। फिर मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग चैनल पे न्यू हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा प्यार दो, मुझे मोटिवेट करो अब अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपकी बहन बहुत मेहनत करती है आप लोगों के लिए। सो आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। बाय, लव यू ऑल।